नमस्कार दोस्तों, आज़ाद लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सब्सक्राइबर भाई एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देखा, हम बिना किसी एप्लीकेशन के किसी का भी डाटा देख सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो और वीडियोस। तो दोस्तों, कितनी भी हाई क्वालिटी का हो, कितने बड़े साइज़ का हो, आप देख पाएंगे बड़े आराम से, वो भी बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए। जी हाँ दोस्तों, सही कह रहा हूँ मैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और पूरी देखेंगे जब भी आप समझ पाएंगे, और वीडियो को आपको बार बार नहीं देखना होगा मेरी। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए करना क्या होगा आपको बताना चाहूँगा। कोई भी आज के स्मार्टफोन है, उसमें आपको एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगी पहले से ही, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ़ोटोज़ के नाम से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी मेरी फ़ोटोज़ हैं मोबाइल में, वो सभी यहाँ पर अपलोड हो जाती हैं फ़ोटोज़। आप सोचेंगे आपकी मैं कैसे देख पाऊँगा, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उस पर थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं। पहले तो ये एप्लीकेशन आपको लगभग सभी फ़ोन में मिलने वाली हैं, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये सभी आपको फ़ोन में मिलेंगे लगभग, स्मार्ट जितने भी फ़ोन होते हैं, क्योंकि बैकअप के लिए होता है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों नीचे देख पा रहे होंगे सेटिंग्स। सेटिंग्स पे आने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ऊपर देख पा रहे होंगे मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पे ईमेल आईडी एक्टिव है, और आपने जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप उसे एक्टिव कर देंगे, मीन्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड अकाउंट के साथ में करना चाहे ऐड कर दीजिए, और जो पहले से वो रिमूव करना चाहे तो रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपने सबसे पहले यही करना है। तो चलिए अब हमने सेटिंग पे आ जाते हैं, जो सबसे नीचे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी जो सेटिंग होने वाली है वो है बैकअप एंड साइंस। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे इनेबल। अब इनेबल होने के बाद में यहाँ पे मेरी जितनी भी ईमेल आईडी है, ये जानना चाह रहा है कि आप कौन सी ईमेल आईडी पे इसका बैकअप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो आप ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे जो आपके पास में है, जिसका पासवर्ड आपको पता है। तो यहाँ पर मैं ये ईमेल आईडी अपनी एक्टिव कर दे रहा हूँ। ऐसे ही आप इस पर इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर जो क्या 15 GB स्टोरेज जो आपकी बैकअप हो सकती है आपके ड्राइव में। तो यहाँ पे नीचे आपको शो कर रहा होगा बैकअप एंड डिवाइस फोल्डर्स, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी आपके फ़ोन में फोल्डर क्रिएट हो रखे हैं वो सभी यहाँ पे आपको शो करेगा, और आपने कौन से फोल्डर्स के बैकअप चाहिए तो वो सभी आपने यहाँ पे इनेबल कर देनी है एक एक करके। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, तो इस वजह से ऐसे थोड़ा ही कर रहा हूँ, आपने पूरे इनेबल करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सेकंड जो आ रहा है अपलोड साइज़, यहाँ पे इसे कर देना है हाई क्वालिटी फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो भी कितनी भी क्वालिटी हैवी क्वालिटी हो, 1 GB का हो, 2 GB का हो, वो सभी डेटा आपका स्टोर हो जाएगा, बैकअप बन जाएगा, जो कि आप एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये यह हो गया। सेकंड यहाँ पे आ गया फ़ोटो, ये भी इनेबल कर देनी है। वीडियोज़ ये भी इनेबल कर देनी है, तो हमें फ़ोटो वीडियोज़ दोनों मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक रोमिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका जो दो भी फ्रेंड है, दोस्त है, अगर वो डेटा यूज़ करता है रोमिंग में जाके, तो आप चाहें फिर भी आप उसका वो बैकअप बनता रहे तो भी आप इसे इनेबल कर देंगे, नहीं तो आप इसे डिसेबल रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया, आपने कुछ नहीं करना। जो भी उसके फ़ोन में डेटा होगा वो, जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका बैकअप बनना शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे इसका बैकअप बनना शुरू हो गया है, आपने इतना करना है, और जैसे ही उसका डेटा या वाईफाई जो भी है वो ऑन होता है तो वो बैकअप बन जाएगा उस ईमेल आईडी पे। तो अब आपने कैसे एक्सेस करना है, फ़ोन आपके पास नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाए, किसी भी ब्राउज़र में आप आ जाए। चलिए मैं यहाँ पे मैक्सन खोल ले रहा हूँ। यहाँ पे आपने जो कि आप टाइप करना है फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो आप टाइप करेंगे .google.com। कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे वो ईमेल आईडी जो मेरी ऑलरेडी लॉगिन है, ये अभी वो मेरे को दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी मेरा बैकअप बना हुआ है अब तक की फ़ोटोज़, वो सभी यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे भी नहीं पता था कि ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, इस वजह से मेरे को डायरेक्ट ये
फ़ोटोज़ दिखाने लग गया। तो दोस्तों आपके जो भी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप देख पाएंगे। वो कैसे है कि आप जो वेबसाइट ओपन करेंगे photos.google.com की, वहाँ पे आपने क्या करना है, बस वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लॉग इन कर देना है। तो यहाँ पे फोटो वो लॉगिन होगी और फोटो सभी वीडियोस जो भी है वो अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे। आप बड़े आराम से ही सीक्रेटली तरीके से आप देख सकते हैं। और इनके बीच अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ नहीं समझ में आया है, तो बिल्कुल आप कमेंट करें दोस्तों, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। और कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरी मेहनत का फल पहले आपका एक लाइक है, उसके बाद ही आप, अगर आपको चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम आज़ाद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।